करता हूँ। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो
जय हिंद, नमस्कार एवं सुप्रभात। घोषक राजेंद्र साथ 25 एवं सुसज्जित मैदान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यह परेड ग्राउंड नए स्वरूप में उजागर हो एसएसबी के इतिहास में घटित होने वाली प्रमुख उपलब्धियों के लिए प्रतीक्षारत है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल अपनी स्थापना की 58वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गौरवशाली अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए यहां बल के शौर्य, साहस और अनुशासन का रंग बिखेरने वाली भव्य व मनमोहक परेड का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे और परेड की सलामी लेंगे। It is my proud privilege and honor to welcome you all on this lovely winter morning to this resplendent parade ground of 25th Battalion SSB Gitarni to join us in our celebration of more than 5 decades of selfless and dedicated service to this great nation. Gentlemen has witnessed several in the past few years. Very soon, this August gathering shall witness this year's gallant and colorful parade on the occasion of 58th Raising Day of the Force. Is of utmost importance for this of all force personnel are rejoiced, martyrs, and each one is for its security, integrity and safety. As we sit here to witness the anniversary day parade, we salute our men and women soldiers who are on guard at this very moment at India's international border with the sole objective of protecting the nation's borders. Today, ladies and gentlemen, firstly, the parade will present general salute to the additional director general, then to the director general Sashastra Seema Bal. On arrival of chief guest for today's parade, Honorable Union State Home Minister, Shri Nishit Pramanik, the parade will pay its respect to the chief guest, and thereafter, the Honorable Chief Guest will inspect the parade. Our respected chief guest will then take the salute for today's splendid marching contingents as they march past the saluting base. As the morning progresses, SSB promises to enthrall you with both entertaining as well as daring demonstrations by members of our force, both canine and human. But only after we have honored the investiture ceremony, all our achievers who have done us proud by their resolute actions, integrity, and commitment to the service. Finally, the ceremony shall come to a close with a chief guest's address to the gathering and tea at mess lawns thereafter. आज की इस परेड की कमान संभालेंगे कमांडेंट दीपक सिंह। परेड के द्वितीय कमान अधिकारी होंगे ब्रिजेश सिंह प्रतिहार। आज की इस स्थापना दिवस परेड में सशस्त्र सीमा बल का मुख्य बैंड दस्ता अपने मधुर स्वर लहरियां बिखेरने जा रहा है। ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक गणेश दत्त पांडे। पाइप व ड्रम बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक मोहम्मद बी डोजा। इस परेड में 11 अधिकारी, 3 अधीनस्थ अधिकारी एवं 416 अन्य कर्मी भाग लेने जा रहे हैं। इस परेड मैदान को मनमोहक बनाने में जिनके अथक प्रयास रहे हैं वह है 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट अशोक सजवान। समस्त अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। मनमोहक मैदान मानो तैयार है 58वीं स्थापना दिवस परेड का साक्षी बनने के लिए। यहाँ की मिट्टी का कण कण प्रफुल्लित है 58वीं स्थापना दिवस परेड का हिस्सा बनकर। वर्ष 1963 में भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से एसएसबी की स्थापना की गई थी।
इस क्षेत्र में अरिजत अनुभव की पृष्ठभूमि में भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं के विशिष्ट और व्यापक प्रबंधन का दायित्व इस बल को सौंपा गया है। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन राष्ट्रों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और ये सीमाएं खुली हुई हैं। इन कारणों से सीमा प्रबंधन में सावधानी एवं संयम बरतने की आवश्यकता पड़ती है। सीमावर्ती जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सशस्त्र सीमा बल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आतंकवादी एवं अलगाववादी तत्व भारतीय सीमा में प्रवेश कर अपने नापाक इरादों को अंजाम न दे सकें। बल के अधिकारी व जवान इस संवेदनशील स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिशों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, हर रोज मौत और तूफानों से खेलते हैं हम, दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरते हैं हम, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द झेलते हैं हम। मार्कर्स कॉल इस बात का ऐलान कर रही है कि अब परेड में भाग लेने जा रही सैन्य टुकड़ियां परेड मैदान में प्रवेश करने जा रही हैं। इन टुकड़ियों का नेतृत्व कर रही है निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा। सबसे पहले परेड अपर महानिदेशक और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का सलामी से स्वागत करें।
उसके बाद परेड माननीय मुख्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी का सलामी से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि महोदय परेड को संबोधित करेंगे। परेड की समाप्ति के उपरांत बल के सदस्य रोमांचक एवं लोमहर्षक करतब का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, Parade Second in Command Brajesh Singh Pratihar is marching smartly to take over charge of the parade from Inspector Sudhir Kumar Singha. परेड की कमान निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा पर परेड के द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपी गई। Second in command, Brijesh Singh Pratihar is a 2006 batch direct entry officer. He has served on Indo-Nepal border from 2009 to 2013 and again from 2017 to 2020. During his tenure on IMP, he has made various seizures of narcotics and other contraband items. He has represented SSB marching contingent on Rajpath in the year 2013 and 2014 for two consecutive years. He has been awarded with Director General's Silver Disc and Director General's Golden Disc for leading the SSP contingent on Rajpath. At present, he is posted at 16th Battalion SSP and giving his services in anti-Naxal operations in Jammu and Bihar. He has undergone Young Officers Commando course from BSF Academy Taken Court in the year 2012. He has also served in highly Naxal infested districts of Dantewada, Chhattisgarh. He has also been attached with one of the army units of infantry for 6 months in Gwalpada, Assam. किसने जनमन के मन में फिर नवजीवन डाला है, किस उमंग में खड़ा हुआ यह सैनिक दल आया है, किसके स्वागत को यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है। यह उत्सव है बल के 58वें स्थापना दिवस समारोह का। इसी जज्बे से युक्त सैनिकों की टुकड़ियों का नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ते बढ़ते युवा अधिकारी मंच के ठीक सामने खड़ी ये सैनिक टुकड़िया समारोह के अनुरूप पोशाक में मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही है। परंपरागत पोशाक में सजे धजे ये जवान पूरे उत्साह और जोश से परेड में भाग ले रहे हैं। राजीव द्वार के ठीक ऊपर 8 किलो वादक और 8 किले के गाड़ी और बाई ओर तैनात है, जो मुख्य अतिथि के आगमन पर आपसी समायोजन से कुछ इस प्रकार बिगुल बजाएंगे कि मैदान पर हर तरफ बिगुल की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है।
Starting from left, ladies and gentlemen, this parade consists of 8 decorated marching contingents, 4 each on either side of the Sashastra Seema Bal Band. The first contingent, starting from left, is of Ranikhet Frontier, led by Assistant Commandant Jasbir Singh Tomar. The second contingent is of Lucknow Frontier, under the command of Assistant Commandant Maha Mrityunjay Kumar Pathak. The third contingent is of Patna Frontier, commanded by Assistant Commandant Palash Luthra. The fourth contingent, Siliguri Frontier, commanded by Assistant Commandant Vishal Kumar. In the center, with Fort Gate as the backdrop, is the SSB band. The brass band is being commanded by Inspector Ganesh Dutt Pandey, and pipes and drums band is led by Inspector Mohammed B. Doza. SSB band ke theek bagal mein desh bhakti ki bhavna se yukt Guwahati Frontier sahayak commandant Rahul Khasa ke netritv mein seva suraksha aur bandhutva ke adarsh vakya se prerit chhathi tukdi hai Tezpur Frontier ki, jiski kaman hai sahayak commandant Avadhesh Kumar ke haathon mein. Unke theek bagal mein bal ki mahila shakti ko pradarshit karti bal ki mahilaye kaman hai sahayak commandant Anuradha ke sudrad haathon mein. हम आपको याद दिला दें कि एसएसबी महिलाओं की भर्ती करने वाला पहला सीमा रक्षक बल है. और सबसे आखिर में स्पेशल ऑप्स फ्रंटियर की टुकड़ी सहायक कमांडेंट नरेंद्र कृष्ण त्रिपाठी के नेतृत्व में वर्तमान में एसएसबी में स्पेशल ऑप्स फ्रंटियर में 5 वाहिनी जम्मू कश्मीर में तथा 7 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं. Ladies and gentlemen, Parade Commander Kamran Deepak Singh, with his impressive drill and impeccable turnout, is now marching to take over the charge of the parade. Deepak Singh is a 1999 batch direct entry dynamic officer who joined as an assistant commandant at Root Center Champa in Uttarakhand. His contribution of serving in the terrorist infested states of Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, and Assam has been commendable. The officer is presently commanding 32 SSB, which is deployed for anti-Naxal operations in Bihar. The unit under his operational command also won the trophy for Best Special Ops Battalion ANO in 2020. Commandant Deepak Singh has the distinction of being an alumnus of the prestigious Defence Services Staff College, Wellington, and has also undergone various training programs in India and abroad. On 10th July 2020, in a jointly commanded operation by his special action team, Commandant Deepak Singh
with the help of effective technical surveillance, domination, and meticulously planned operation, led to neutralizing 4 dreaded Naxals of Rajal group, besides recovering good number of weaponry, ammunition, Naxal literature, and technical gadgets, for which Commandant Deepak Singh received Director General's Golden Disc. सशस्त्र सीमा बल का निशान परेड ग्राउंड पर आएगा। यहां उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में खड़े हों एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए मार्च 2004 में राष्ट्रपति महोदय बल को ये निशान दिया गया। यह निशान बल के अधिकारी और कर्मचारियों के अनाव उत्सर्ग, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। निशान दस्ते का नेतृत्व कर रही है विशाल राणा, सहायक कमांडेंट 45वीं वाहिनी। बल के लिए ये निशान वैसा ही सम्माननीय है जैसा कि हम सबके लिए हमारा प्यारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। ये निशान हमें कर्तव्य पथ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। Ladies and gentlemen, the Additional Director General SSB, Mrs. B. Radhika, will be arriving shortly. सशस्त्र सीमा बल के अपर महानिदेशक महोदया अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच उपस्थित होंगे और परेड की सलामी लेंगे। The Additional Director General SSB, Mrs. B. Radhika, has arrived. Good
parade will now present general salute to the ADG SSP. Mrs. B. Ratika is an officer of the Indian Police Service of the 1989 batch and presently on deputation to Sashastra Seema Bal since 9th November 2020. Prior to joining Sashastra Seema Bal, she was Deputy Director General in Narcotics Control Bureau. She worked as Superintendent of Police in several districts of Odisha, Subarnapur, Sundargarh, Khurda, Bhuvaneshwar, and GRP Cuttack. She has a vast experience in the field of anti-corruption, both in the center as well as in the state. She worked as SP and DIG in CBI as well as in the State Vigilance Department, Odisha. She worked as Additional Secretary in the Central Vigilance Commission. She has worked as Additional DGP State Armed Police for 2 years in the state of Odisha. She was also chairperson of State Selection Board for Recruitment of Sepoys and Constables in Odisha. She has been conferred the Police Medal for Meritorious Service on Republic Day 2006 and President's Police Medal for Distinguished Service on Republic Day 2013. Apart from above, she has received commendation from Minister of State Home Department Odisha for her work during Super Cyclone 99 in Bhuvaneshwar as SP. Ladies and gentlemen, the Director General Sashastra Seema Bal, Shri Kumar Rajesh Chandra, will be arriving shortly. Mahanideshak Sashastra Seema Bal, Shri Kumar Rajesh Chandra, Bharatiya Police Seva. Ab se kuch hi chhano paschat 58वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होंगे और परेड की सलामी लेंगे। Ladies and gentlemen, let me remind you that Sashastra Seema Bal has been popularly called the people's force because it has always tried to connect with the local masses through its civic action and minor developmental programs, which are of huge consequence for the people of border areas.
Sashastra Seema Bal has been conducting civic action programs in the remote border areas, which have immensely benefited the border population and especially the youth by conducting trainings in the skill of computer training, tailoring, motor repairing, beautician, modern farming, and mobile repairing training. SSB also conducts a training called titled Man Friday. Man Friday is a specially designed employment generation program by Sashastra Seema Bal in collaboration with NSDC, which trains the rural youth in border areas with multiple skills that helps them in getting employed of assisting a family or senior citizen in their daily course. In our consistent endeavor to modernize and upgrade the operational capabilities of the force, technologically advanced force multipliers like UAV, explosive and narcotics detectors, and laser fencing systems have been procured and introduced in the force. SSB, in collaboration with Advanced Data Processing and Research Institute of Department of Space, has developed two highly advanced softwares, Border Operational Planning System and Counter Insurgency Operation Planning System. वर्ष 1963 में भारत के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से एसएसबी की स्थापना की गई थी। इस क्षेत्र में अर्जित अनुभव के पृष्ठभूमि में भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं के विशिष्ट और व्यापक प्रबंधन का दायित्व इस बल को सौंपा गया। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन राष्ट्रों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और ये सीमाएं खुली हुई हैं। इन कारणों से सीमा प्रबंधन में सावधानी एवं संयम बरतने की आवश्यकता पड़ती है। सीमावर्ती जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सशस्त्र सीमा बल को यह सुनिश्चित करना होता है कि आतंकवादी एवं अलगाववादी तत्व भारतीय सीमा में प्रवेश कर अपने नापाक इरादों को अंजाम न दे सके। Ladies and gentlemen, the Director General Sashastra Seema Bal, Shri Kumar Rajesh Chandra, has arrived. He's being greeted by senior officers of the force.